आप बुक्स पे ध्यान देने की बजाय, क्योंकि बुक्स में क्या होता है, आप कोई भी बुक उठाओ मैथ्स की, सिर्फ जाके दुकान पे जाके देखने के थोड़ी पैसे लगते हैं, जाके देखना उन्होंने इतनी मोटी एक किताब होगी, और वो भी सिर्फ पूरी मैथ्स की नहीं होगी। किसको प्रेफर करें, लिखने पर या समझने पर? समझने पर। मैंने जो तैयारी की है उसमें हमें यही बोला जाता था कि पहले समझ लो, टीचर के पैरेलल में कोई भी क्वेश्चन सॉल्व, अगर कोई भी क्वेश्चन आपके सामने आता है तो आप उसको रफ नोटबुक में पहले खुद सॉल्व करो, रफ नोटबुक में आप उसको पहले खुद सॉल्व कीजिए। बहुत सिंपल है, आप पूरी क्लास के पैरेलल में क्वेश्चन सॉल्व करते जाओ, जैसी क्लास खत्म हुई आप नोट्स बनाने स्टार्ट कर दीजिए। उससे फायदा एक ये भी होता है कि आफ्टर क्लास जैसे हम लोग बोलते हैं ना रिवाइज करना चाहिए, तो आपका रिवीजन भी हो जाएगा। शुरू शुरू में आपको इस टास्क को करने में थोड़ी दिक्कत आएगी, थोड़ा टाइम लगेगा, आप बोलोगे सर मेरा एक एक घंटा चला जाता है, बट धीरे धीरे जैसे जैसे आप इसमें प्रो बनते जाओगे, एक्सपर्ट बनते जाओगे, तो आप बोलोगे कि हाँ सर अब जो है मैं बहुत अच्छे से बना लेता हूँ, बड़ी जल्दी आपकी रिवीजन भी होगी और आपने नोट्स भी बना लिए। आपने पैरेलल में ही क्लास नोट्स बना लिए, आपके पास क्लास के बाद में टाइम बच गया, बट उसमें फिर आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में टाइम थोड़ा कम मिलेगा। जबकि मैं बोलूंगा मिक्स करके बनाओ, जितना हो सके उतना लिख लो, जितना पार्ट आपको रह गया है कि सर ने समझने पे आप सवाल दिया है तो मुझे सवाल सॉल्व करना चाहिए, लिखने पे ध्यान नहीं देना चाहिए। पीडीएफ नोट्स की उसका बैकग्राउंड हटाकर, अब ये पता नहीं बच्चे कैसे करते हैं, ऐप वगैरह कुछ आती है यार, बैकग्राउंड रिमूव करके पीडीएफ नोट्स में बैकग्राउंड रिमूव करके इन्हीं का ही प्रिंट आउट ले लेते हैं। ये तीसरा तरीका है और ये प्रो तरीका है, ये मुझे बाद में पता चला जैसे बच्चे बनाते थे। ये जो स्लाइड्स आपको मिलेंगी इनका बैकग्राउंड, बिकॉज ये ब्लैक है, बैकग्राउंड रिमूव कर देंगे तो उसका फिर पीडीएफ उसके बाद में प्रिंट आउट ले लेंगे। उस प्रिंट आउट को या तो एज इट इज रखेंगे या फिर उसमें इंपॉर्टेंट जो क्लास की लर्निंग्स है उनको वो क्या कर लेंगे, मार्क कर लेंगे। तो ये भी बढ़िया तरीका है। इंपॉर्टेंट मतलब सर ने कोई बात समझा के निकल गए बट वो स्क्रीन पर लिखी नहीं हुई, तो उस बात को अपने नोट्स में उन्होंने लिख लिया। धीरे धीरे आप प्रो हो जाएंगे। बट आप सर सबसे इंपॉर्टेंट चीज पर कि मैथ्स के लिए बुक्स कौन सी लेनी है, नो रिक्वायरमेंट, बुक्स की आपको कोई भी जरूरत नहीं है, बुक्स की आपको कोई भी जरूरत नहीं है, मेरी बात ध्यान सुनिएगा प्लीज। और सिंस आप अपने टीचर को फॉलो कर रहे हैं तो इस बात पे अच्छे से गौर फरमाइएगा, बुक्स की नो रिक्वायरमेंट। सर कैसी बात कर दी आपने, हमारे जो भैया है उन्होंने तो वो वाली किताब सॉल्व की थी तब उनकी रैंक आई थी, तो आपके भैया ने की होगी, अच्छी बात है। प्रैक्टिस में पहली चीज क्लास नोट्स, उसके बाद में आपके पास डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम। अब फिर से मैं आपको बोलूंगा, आप बुक्स पे ध्यान देने की बजाय आप मॉड्यूल पे ध्यान दीजिए, क्योंकि बुक्स में क्या होता है, आप कोई भी बुक उठाओ मैथ्स की, सिर्फ जाके दुकान पे जाके देखने के थोड़ी पैसे लगते हैं, जाके देखना उन्होंने इतनी मोटी एक किताब होगी, और वो भी सिर्फ पूरी मैथ्स की नहीं होगी, उसमें अलजेब्रा भी अलग वॉल्यूम होगा, कैलकुलस का अलग वॉल्यूम है, ट्रिग्नोमेट्री अलग, और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री अलग, वेक्टर 3D अलग, ऐसे करके 5-6 वॉल्यूम्स आती है मैथ्स की किताबों की। अब उसमें क्या है, रिपीटेटिव प्रॉब्लम्स बहुत सारी होती है, रिपीटिंग प्रॉब्लम्स बहुत सारी होती है। बल्कि जब आप मॉड्यूल उठाओगे तो मॉड्यूल का साइज होता है इतना सा। कुछ लोग बोलेंगे सर हमारे भैया दीदी ने प्रिपरेशन कर रखी है, वो फलानी कोचिंग में पढ़ते थे, उनका मटेरियल हमारे पास है, तो अगर वो फलानी कोचिंग जो है वो रेप्यूटेड नेशनल लेवल की कोचिंग है तो उसका मटेरियल अच्छा ही होगा। आपने अगर आपके पास वो मटेरियल है तो वो भी सॉल्व कर ली। किताबों से ज्यादा आप मॉड्यूल पे फोकस कीजिए, रीजन बताता हूं उसका, क्योंकि मॉड्यूल में क्या है, सवाल छांट छांट के लाए जाते हैं, एक वैरायटी का क्वेश्चन आपको एक ही मिलेगा, दूसरा अगर उस टाइप का होगा भी तो उसमें थोड़ा सा चेंजेस मिलेंगे आप, तो आपको किताबों पे फोकस नहीं करना है। मेक श्योर कि आपका ध्यान लिखने पर नहीं समझने पर होना चाहिए, आपके लिए समझना प्रायोरिटी होना चाहिए।